राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका लगा है। उन्हें ये झटका देने वाले कोई और नहीं, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा बताए जा रहे हैं। अब सिंधिया को सदमा क्यों पहुंचा है, उससे पहले जान लीजिए कि सिंधिया ने इस बुरे वक्त से बचने के लिए क्या क्या जतन किए थे। वो तस्वीर याद कीजिए जब सिंधिया भोपाल आए थे और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने खास तौर से उनके घर गए थे। कोशिशें नजदीकियां बढ़ाने की थी, क्योंकि सिंधिया भी जानते थे कि बहुत जल्द बीजेपी नए संगठन की संरचना करने जा रही है। ऐसे में उस संगठन में अपने समर्थकों को जगह दिलाने के लिए वो अच्छी खासी कवायद कर रहे हैं, पर अफसोस उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। वीडी शर्मा ने सिंधिया को अपनापन तो दिखाया, पर अपनी टीम में शिवराज और अपनी पसंद को ही तवज्जो दी है। खबर है कि वीडी शर्मा की नई टीम में सिंधिया समर्थकों को न के बराबर ही जगह मिलने वाली है, क्योंकि सीएम शिवराज नई टीम में अपने पुराने चेहरों को एडजस्ट करने पर अड़े रहे, ताकि पार्टी में असंतोष न पनपे। सूत्रों के मुताबिक शिवराज की पसंद वाली लिस्ट लेकर ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं और आलाकमान से चर्चा कर रहे हैं। इस लिस्ट पर मोहर लगते ही वो वापस आकर नई टीम का ऐलान करेंगे। जाहिर है नामों के खुलासे के बाद सिंधिया को झटका लगना तय है।